नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। और आज के वीडियो में हम आपको बता दें कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक, आपने 1000 की पेमेंट भी करवा दी, आपने 1000 की पेमेंट को वेरीफाई भी करवा दिया, उसके बाद भी बहुत से लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे। आप सभी को हम फिर से बता दें कि आपने अपनी 1000 की पेमेंट भी करवा दी और उस पेमेंट को वेरीफाई करवा दिया, उसके बाद भी आपके पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे, तो हम आपको बता दें कि किसके पैन कार्ड आधार कार्ड उस समय लिंक होंगे और किसके नहीं लिंक होंगे। पूर्व के वीडियो में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1000 की पेमेंट करने के बाद आपको उस पेमेंट को वेरीफाई भी करवाना है, तो ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होगा। और फिर उसको हम चेक कैसे करेंगे, तो चलिए हम पूरा वीडियो बताते हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि आपको, हमने ये 1000 की पेमेंट कर चुके हैं और इनका हमने पैन कार्ड आधार कार्ड वेरीफाइड भी कर दिया, पेमेंट भी वेरीफाई कर दिया, तो हम चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो हमने ये पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक वेरीफाई किया है, तो चलिए एक को हम चेक करते हैं। ये हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो गया है, इसमें हमने 1000 की पेमेंट को वेरीफाई भी कर दिया था और ये हो गया है। चलिए अब हम दूसरा एक और निकालते हैं जिसमें हमने पेमेंट कर चुके हैं और वो पैन कार्ड आधार कार्ड हमारा लिंक हुआ है कि नहीं, तो उसको भी हम चेक करते हैं। ये हमने एक और किया था, शायद आधार नंबर हम गलत डाल रहे हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से। ये देखिए, ये भी हमने एक पैन कार्ड आधार कार्ड वेरीफाई किया था, इसकी हमने 1000 की पेमेंट भी कर दी थी, पेमेंट भी वेरीफाइड करवा दिया, उसके बाद भी ये हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा है आधार पैन लिंकिंग फेल्ड ड्यू टू नेम मिसमैच, टू अपडेट योर नेम इन पैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट NSDL @, और ये साइट दी हुई है। तो आप सभी को हम बता दें, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक उसी का होगा जिसका आधार कार्ड में और पैन कार्ड में नाम सही लिखा हो, साथ ही साथ उनकी जन्मतिथि भी एक जैसी हो। अगर आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम मिसमैच है, तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, भले आप 1000 रुपये की पेमेंट कर दें, पेमेंट को उसको वेरीफाइड भी करवा दें, उसके बाद भी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। तो आप चीज़ को इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में डिटेल एक जैसी होना चाहिए। अब ऐसे केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिंक आधार में जाना पड़ेगा और लिंक आधार में जाके इनका पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर फिर से डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये वैलिडेट पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, हमें पेमेंट तो दोबारा नहीं करना पड़ेगी, पेमेंट हमारी वही रहेगी, लेकिन अब आपको अपने पैन कार्ड और आधार की डिटेल को एक जैसा करके उसके बाद ही आपको फिर से इसे वैलिडेट करना पड़ेगा। तो आप सभी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जिसका भी पैन कार्ड आधार कार्ड आपने लिंक किया है, तो उनका आप दोबारा से चेक करिए कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हुआ है कि नहीं। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। धन्यवाद।